हेलो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में अपन सीखेंगे कि अपन ब्लेंसिस कैसे हटा सकते हैं, यानी डार्क सर्कल कैसे हटा सकते हैं। सबसे पहले आपको चैनल पे आना है, ब्लू चैनल जो है उसको आपको डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद आपको फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे जाने के बाद आपको अदर और हाई पास पे जाना है। फिल्टर, अदर और हाई पास, हाई पास आप 50 रख सकते हैं, मैंने भी यहाँ पर 50 ही रखा है। उसके बाद आपको इमेज पे जाना है, कैलकुलेशन पे जाना है। कैलकुलेशन के अंदर आपको केवल और केवल ब्लेंड मोड चेंज करना है, जो कि हार्ड लाइट करना है। यह आपको 3 से 4 बार करना है, जब तक कि आपके जो सर्कल आप हटाना चाहते हैं, यानी डार्क स्पॉट हटाना चाहते हैं, वो जब तक एकदम डार्क ना हो जाए। उसके बाद आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो मेन कलर है वो आपको वाइट कलर ले लेना है। वाइट कलर लेने के बाद आपको अनवांटेड एरिया आपको पेंट कर देना है, यानी कि जिस एरिया को आप लाइट नहीं करना चाहते या जिस एरिया को आप रिमूव नहीं करना चाहते, उसको आपको वाइट कलर से पेंट कर लेना है। जैसे हेयर हो गया, आइज़ हो गया, आईब्रोज हो गया, लिप्स हो गया, और नोज़ के जो होल हो गए, वो ये सब आपको व्हाइट कलर से पेंट कर देना है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखे, तो आप चैनल पे विजिट करके वो भी देख सकते हैं। 1 मिनट के अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल है, वो आप देख सकते हैं। ये सब कर लेने के बाद आपको सलेक्शन पर क्लिक करना है। उस सलेक्शन पर क्लिक करना, जैसे ही रेड पर क्लिक करो तो ऊपर की लेयर सेलेक्ट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। सेलेक्ट पर जाना है और इन्वर्स पर आपको क्लिक करना है, इससे सेलेक्ट इन्वर्स हो जाएगा आपका। उसके बाद इसको जूम करके कंट्रोल एम प्रेस करना है, एम फॉर मंकी। कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपको कर्व ओपन हो जाएगा। कर्व आपको एडजस्ट करना है हल्का सा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। 1-1 मिनट की वीडियो भी मैंने डाल रखी है शॉर्ट्स के तौर पे, तो आप चैनल पे विजिट करके शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओके कर लिया। कंट्रोल डी, डी फॉर डोंकी, कंट्रोल डी से मैंने डी सेलेक्ट किया। यहाँ पे थोड़ा सा और बाकी रह गया, तो मैं वापस से इसको कंट्रोल जेड करूँगा, जिससे क्या होगा कि वापस से सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। वापस से कंट्रोल एम प्रेस करूँगा, वापस से थोड़ा सा कर और एडजस्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। कंट्रोल डी प्रेस किया तो गाइज ये इफेक्ट यहाँ पे तैयार है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।